कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपना 134वां स्थापना दिन मनाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्थापना दिवस पर सभी राज्यों की राजधानियों से मार्च निकाला गया। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अध्यक्षता में तो नागपुर शहर में भारत बचाओ संविधान बचाओ नारे के साथ शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के अध्यक्षता में शहर कार्यालय देवड़िया भवन से मार्च निकाला गया। देवड़िया भवन पर खत्म हुआ। इस मार्च में प्रवक्ता अतुल लोंडे, विशाल मुत्तिमवार, अभिजीत वंचारी सहित सभी पार्षद और पदाधिकारी उपस्थित थे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंसूबे कुछ ठीक नहीं, इनके मंसूबे कुछ ठीक नहीं है। ये लोग जान गए हैं कि ये देश की जनता, इन्होंने जो देश के अर्थव्यवस्था के 12 बजा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, लोग चिढ़ गए थे, उससे ध्यान हटकाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये कायदा ले आए। अभी लोग उस बेरोजगारी की चिंता और उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। सब ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में इस देश को लगाकर, इस देश में आग लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। दोस्तों, इनसे हमें लड़ना होगा। और आज के दिन हम उन करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे पार्टी के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, उन सब लोगों को याद करते हुए, उनको आदरांजलि देते हुए, उनसे ताकत लेते हुए आगे की लड़ाई लड़ने का हम सब लोग यहाँ